हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल ज्वाइंट में। हमारी आर्ट एंड कल्चर की सीरीज चल रही थी, इसमें हमने पोस्ट मॉडर्न आर्ट तक कवर कर लिया है। इस लेक्चर के अंदर हम गुप्ता एज को कवर करेंगे, उसका आर्किटेक्चर हम इसके अंदर देखेंगे। यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ फ्रॉम आवर वेबसाइट, द लिंक हैज बीन गिवन इन डिस्क्रिप्शन बिलो। गुप्ता एज गाइस, गुप्ता एज जो कि 4th सेंचुरी AD में आया था। गुप्ता पीरियड को इंडियन आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। इसके अंदर अर्लियर गुप्ता थे जो कि बुद्धिस्ट थे, इस वजह से जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर था वो कंटिन्यू रहा। लेटर गुप्ता फेस के जो रूलर थे वो हिंदू रूलर थे, इस वजह से क्या हुआ, टेम्पल आर्किटेक्चर था वो सामने आया। ओके गाइस, टेम्पल आर्किटेक्चर इस टाइम पे अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गया और जैन और बुद्धिस्ट आर्ट थी वो भी अपने पीक पर पहुंची गुप्ता एज के अंदर। ओके गाइस, गुप्ता रूलर जो कि स्पेशली देखा जाए तो लेटर फेज के जो गुप्ता रूलर थे वो ब्राह्मण रूलर थे, पर वो टॉलरेंट थे टुवर्ड्स ऑल रिलीजन। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए, थ्री प्रिंसिपल देवी देवता उस टाइम पे थे, विष्णु, शिव एंड शक्ति। विष्णु को बेसिकली नॉर्थन एंड सेंट्रल इंडिया में ज्यादा पूजा जाता था, शिवा को साउथर्न पार्ट में एंड शक्ति को ईस्टर्न पार्ट, मालाबार कोस्ट का केरला की जो कोस्ट है उसको मालाबार कोस्ट कहा जाता है, एंड साउथर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में शक्ति को पूजा जाता है। आर्किटेक्चर के अंदर केव्स देखिए गाइस, डेवलपमेंट और जो केव्स का था वो रिमेन कॉन्स्टेंट रहा, जैसी केव्स में डेवलपमेंट होता था वैसे रहा। सिर्फ एक न्यू फीचर जो ऐड हुआ था वो था मुराल पेंटिंग, जो कि वॉल्स पे की जाती थी वो ऐड हुआ था। हम फाइन एग्जांपल देख सकते हैं मुराल पेंटिंग के केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा के अंदर। देखिए गाइस, मुराल पेंटिंग होती क्या है, इसके अंदर क्या होता है, जो डायरेक्ट पेंट या पेंटिंग जो भी होती है उसको डायरेक्टली वॉल, सीलिंग या जो भी सरफेस होती है परमानेंट सरफेस उसके ऊपर डायरेक्ट कर दिया जाता है, पेंटिंग को डायरेक्ट बना दिया जाता है, उसको हम मुराल पेंटिंग कहते हैं। अजंता केव्स, अजंता केव्स देखिएगा, इस रॉककट केव्स है, औरंगाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है उस वहाँ है महाराष्ट्र के। 29 केव्स है टोटल, उसमें से जो 25 है वो एज अ विहाराज यूज की जाती थी। विहाराज मैंने बताया था रेसिडेंटल केव्स होती है जहाँ रहा जाता था, और 4 जो है वो एज अ चेतियाज यूज किया जाती थी। चेतिया क्या होते हैं, प्रेयर हॉल्स होते हैं। बिटवीन 200 टू 650 एडी के बीच में इन केव्स का डेवलपमेंट हुआ। ओके गाइस, डेवलपमेंट हुआ अराउंड 650 ईयर्स तक इनका डेवलपमेंट चला। बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे उन्होंने इनको इंस्क्राइब किया, मतलब कुरेदा है इनको, मतलब बनाया है, और अंडर द पेट्रोनेज किसके, वाकाटका किंग्स जो थे उनके पेट्रोनेज। पर्टिकुलरली देखा जाए तो हरिसेना था जो कि वाकाटका किंग था वो प्रोमिनेंट था इनके पेट्रोनेज में। ये देखिए गाइस, ये है अजंता केव्स। टेक्निक जो यूज की जाती थी पेंटिंग की वो फ्रेस्को पेंटिंग होती थी। ये 3 स्टेप पेंटिंग है, इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, क्ले और काउडंग और राइस हक्स जो चावल का छिलका होता है उसको मिक्स करके एक पेस्ट बनाया जाता है और उसको सरफेस पे अप्लाई किया जाता था। उसके बाद क्या होता था, लाइम पास्टर, जो लाइम प्लास्टर होता था उसको अप्लाई किया जाता था उसके ऊपर सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में इसमें जो कलर और पिगमेंट होते थे वो अप्लाई किए जाते थे, जो मॉइस्ट सरफेस जो प्लास्टर किया जाता था वो गीला होता था उसी के ऊपर क्या कर दिया जाता था, कलर अप्लाई कर दिए जाते थे, जिससे क्या होता था, गीले होने की वजह से वो जो कलर होते थे वो नीचे तक सीप के पहुंच जाते थे रिस के, जिससे वो जो पेंटिंग बनती थी वो एक पक्की पेंटिंग बनती थी और ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली पेंटिंग बनती थी। नेचुरलिज्म देखने को मिलता है हमें पेंटिंग के अंदर, कलर जो बनाए जाते थे बेसिकली जो लोकल वेजिटेशन और मिनरल होते थे वहां से बनाए जाते थे। आउटलाइन जो होती थी पेंटिंग की उनको रेड कर दिया जाता था, उसके बाद जो इनसाइड की पेंटिंग अंदर की पेंटिंग होती थी वो बनाई जाती थी। पहले क्या कर दिया जाता था, पेंटिंग का जो बाउंड्री थी उसको रेड कलर से बाउंड्री बना दी, देन अंदर पेंटिंग डिजाइन कर दी। ब्लू कलर का कोई यूज नहीं है, याद रखिएगा, ब्लू कलर का कोई यूज नहीं है अजंता केव्स के अंदर। पेंटिंग की जो थीम्स होती थी जनरली बुद्धिस्ट से रिलेटेड होती थी, लाइफ ऑफ बुद्धिस्ट जो बुद्धा की जो लाइफ थी उससे रिलेटेड थीम्स होती थी, और जो जटका स्टोरीज उनके जो प्रीवियस बर्थ थे एनिमल और मैन के उनसे रिलेटेड स्टोरीज से पेंटिंग होती है अजंता केव्स के अंदर। 5 केव्स जो है वो हिनयान फेस से बिलोंगड है, और जो 24 केव्स है वो महायान फेस से बिलोंगड है। महायान और हिनयान दोनों बुद्धिस्ट की क्या है, सेक्ट है। ओके, दोनों सेक्ट है बुद्धिस्ट धर्म की। फाहियान और हियानसांग ये दोनों चाइनीज ट्रेवलर है, इन दोनों के अकाउंट के अंदर अजंता केव्स का उल्लेख मिलता है।
इम्पोर्टेंट पेंटिंग है इस टाइम की, डाइंग प्रिंसेस एंड फ्लाइंग अप्सरा। ये गाइज देखिए, ये जो पेंटिंग है ये डाइंग प्रिंसेस की है, और ये जो पेंटिंग है ये फ्लाइंग अप्सरा की है। एलोरा केव्स ये भी औरंगाबाद में है महाराष्ट्र के, इसको लोकली वेरुल लेनी के नाम से जाना जाता है। टोटल 32 केव्स है, उसमें से 16 जो है ब्राह्मणिकल है, 12 बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, एंड 4 जो है वो जैन केव्स है। ये बिल्ड हुई थी अराउंड 5 AD टू 11 सेंचुरी AD के बीच में ये बिल्ड हुई, मतलब बनाई गई। जो ये बनाई किसके थ्रू गई थी, जो गिल्ड्स होती थी गाइस, गिल्ड्स क्या होती है गाइस, जो व्यापारी संघ होते थे, संघ जो होते हैं व्यापारी जो के जो संघ होते हैं उनको कहा जाता है गिल्ड। जो विदर्भा एरिया जो कि महाराष्ट्र में है, कर्नाटक और तमिलनाडु के जो गिल्ड थे, जो संघ थे व्यापारी के, उन्होंने इनको बनाया था। डाइवर्सिटी देखने को मिलती है थीम्स और आर्किटेक्चरल स्टाइल में एलोरा केव्स के अंदर। क्यों गाइस देखने को मिलती है, क्योंकि इस केव्स के अंदर तीनों रिलीजन का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इस वजह से डाइवर्सिटी है थीम और आर्किटेक्चरल स्टाइल के अंदर। और अजंता के अंदर किसका इन्फ्लुएंस है, सिर्फ बुद्धिस्ट का। ओके गाइज, प्रोमिनेंट केव्स देख लेते हैं एलोरा की। केव नंबर 10 के अंदर जो जो कि एक चेतिया केव्स है, वो किसको डेडिकेटेड है, विश्वकर्मा को। केव नंबर 14 ये रावण की खाई के नाम से जाना जाती है। ये देखिए, ये जो केव है ये केव नंबर 14 है, रावण की खाई। केव नंबर 15 दश अवतार केव के नाम से जानी जाती है, और इसके अंदर एक फेमस है जो स्टेच्यू, वो है 15-foot स्टेच्यू ऑफ बुद्धा, जो कि प्रीचिंग पोज में है, मतलब प्रिचो मतलब उपदेश दे रहे हैं, ये जो स्टेच्यू है। ठीक है गाइज, ये स्टेच्यू ये दश अवतार केव है, जो एलोरा केव्स के अंदर दश अवतार केव है, केव नंबर 15 उसके अंदर ये स्टेच्यू है, और बहुत फेमस स्टेच्यू है प्रीचिंग पोज में बुद्धा। केव नंबर 16 के अंदर कैलाश टेम्पल मिलता है, कैलाश टेम्पल। ये गाइज ये देखिए, कैलाश टेम्पल है, ये केव नंबर 16 में है। ये एक मोनोलिथ है, मोनोलिथ मतलब सिंगल स्टोन से कार्व करके बनाया गया है ये टेम्पल। डेवलप किया किसके पेट्रोनस के अंदर डेवलप हुआ है, राष्ट्रकूता जो थे उनके पेट्रोनस के से डेवलप हुआ है। टू फेमस जैन केव्स है इस एलोरा केव्स के अंदर, वैसे देखा जाए तो बेसिकली 4 है, जो फेमस है वो 2 है, इंद्रा सभा और जगन्नाथ सभा। ओके गाइज याद रखिएगा, केव नंबर 10 चेतिया केव है विश्वकर्मा को, केव नंबर 14 रावण की खाई, केव नंबर 15 दश अवतार केव्स, केव नंबर 16 कैलाश टेम्पल एंड इंदिरा सभा एंड जगन्नाथ सभा रिलेटेड टू जैन केव्स। डिफरेंस बिटवीन एलोरा एंड अजंता केव क्या है गाइज, डिफरेंस इसमें स्लोप ऑफ माउंटेन। अजंता केव जो है स्टीप स्लोप में है, जैसे माउंटेन का जो खड़ा हुआ स्लोप होता है, जो स्टीप होता है ज्यादा, मतलब एकदम खड़ा जो स्लोप होता है उस एरिया में, और एलोरा केव स्लैंट पोज में, जो कि एक बैठा हुआ इस टाइप का जो स्लोप होता है उस एरिया में है। ठीक है, और इसी वजह से एलोरा केव के अंदर हमें कोर्टयार्ड आंगन, ठीक है, आंगन देखने को मिलता है, और वो आंगन कोर्टयार्ड अजंता केव्स में हमें हमने देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखते गाइस बाग केव्स। बाग केव्स क्या है, मध्य प्रदेश में है, जो बाग रिवर है उसके किनारे पे बनी हुई है, और ये बुद्धिस्ट केव्स है। टोटल 9 केव्स है और बुद्धिस्ट केव है, इसको याद रखिएगा। बाग केव्स ये कैसे पूछा जा सकता है आपसे कि बाग केव्स किस से रिलेटेड है, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अब याद कैसे रखेंगे, बी इक्वल टू बी, बाग इक्वल टू बुद्धिस्ट। 6 सेंचुरी एडी में डेवलप हुई है, वेरी सिमिलर है अजंता केव्स के। ओके गाइस, ये है बाग केव्स। जूनागढ़ केव्स गुजरात में है, यूनिक फीचर है इस केव्स का, एक इसमें चीटाडेल देखने को मिलता है, जिसको अपर कोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि प्रेयर हॉल के सामने है। ये जूनागढ़ केव्स है और ये उसका अपर कोर्ट है। ओके गाइस, नासिक केव्स। नासिक केव्स ये 23 बुद्धिस्ट केव है, आल्सो नाउन एज पांडव लेनी के नाम से भी जाना जाता है। ड्यूरिंग फर्स्ट सेंचुरी एडी के टाइम पे ये बनी, बिलोंग टू हीनयाना पीरियड, हीनयाना पीरियड से बिलोंग करती है, जो उस इसलिए इसमें बुद्धा की इमेजेस नहीं है। क्यों नहीं है गाइस, देखिए गाइस, दो सेक्ट होती है, हीनयान मेजरली जो सेक्ट होती है, और भी होती है पर मेजर जो सेक्ट है हीनयान एंड महायान। महायान क्या करते हैं, स्टेच्यू जो होता है बुद्धिस्ट का उसकी उसको प्रेयर करते हैं, उससे प्रे करते हैं, और जो हीनयान होते हैं वो स्टेच्यू की पूजा नहीं करते। ओके गाइस, वो क्या पूजा करते हैं, वो जो सिंबल होते हैं,
सिंबल होते हैं बौद्ध धर्म के, उनकी पूजा करते हैं, जैसे कि फुटप्रिंट हो गए बुद्धा के, थ्रोन हो गया बुद्धा के। इसलिए ये केव जो है हीनयान पीरियड से रिलेटेड है और इसमें बुद्धा की कोई इमेजेस नहीं है। टिप्स और सिंबल देखने को मिलते हैं, जैसे कि थ्रोन हो गया, फुटप्रिंट हो गए, बुद्धा की इमेजेस हमें नहीं देखने को मिलती है क्योंकि हीनयान पीरियड से रिलेटेड है। ये देखिए गाइस, ये नासिक केव्स है। मंडापेश्वर केव ये भी महाराष्ट्र में है, मोंटे पेरेर के नाम से भी जाना जाता है इनको, डेडिकेटेड टू शिवा को डेडिकेटेड है। और ब्राह्मणिकल केव है ये गाइस, याद रखने के लिए देखिए, महाकाल के नाम से भी जाना जाता है शिवा को, तो एम इक्वल टू एम, मंडापेश्वर का एम और महाकाल का एम, तो शिवा से रिलेटेड है। ब्राह्मणिकल केव थी और उसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया क्रिश्चियन केव के अंदर। ये देखिए मंडापेश्वर केव जो कि महाराष्ट्र में है। स्तूपाज देख लेते हैं, गुप्ता एज में स्तूपाज का क्या हुआ, डिक्लाइन इन द डेवलपमेंट ऑफ स्तूपा, स्तूपाज का डेवलपमेंट में डिक्लाइन आई, गिरावट आई। एक धामिक स्तूप देखने को मिलता है जो कि फाइन एग्जांपल है वाराणसी उत्तर प्रदेश में, पर मेजरली क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट में डिक्लाइन आया स्तूपा के। तो याद रखिएगा गुप्ता एज में स्तूपा की आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट में कमी आई। स्कल्पचर में देखिए गाइस, गुप्ता एज के स्कल्पचर में एक न्यू स्कूल ऑफ स्कल्पचर डेवलप हुआ जिसको सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर के नाम से जाना गया। इससे पहले पोस्ट मॉडर्न आर्ट में हमने तीन स्कल्पचर देखे थे, स्कूल देखे थे स्कल्पचर के, गांधारा स्कूल, मथुरा स्कूल एंड क्या कौन सा था लास्ट, अमरावती स्कूल। ओके गाइस, ये तीन स्कूल थे स्कल्पचर के। चौथा जो गुप्ता एज में आया वो है सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर। इसके फीचर देखिए गाइस, क्रीम कलर के सैंडस्टोन का यूज किया गया है, ये देखिए क्रीम कलर का सैंडस्टोन है। मेटल का यूज किया गया है इसके अंदर, ये देखिए मेटल का यूज किया गया है। सुल्तानगंज में एक बुद्धा का स्टेच्यू, उसमें मेटल से ये बनाया गया है। ड्रेस्ड कंप्लीटली ड्रेस्ड है जो कि स्टेच्यू जो बनाया गया है, कंप्लीटली ड्रेस है। ये देखिए ड्रेस पूरी पहना रखी है बुद्धा को और इसके अंदर नेकेडनेस नहीं है। ओके गाइस, होलो जो है, हेलो है जो इंट्रिकेटली डेकोरेटेड है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है ये हेलो इसे स्कूल के अंदर, सारनाथ स्कूल के अंदर जो हेलो है वो एक अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे टेंपल आर्किटेक्चर। थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, शेयर विद अदर टू एक्सपेंड नॉलेज, सेव टाइम, सेव ट्रीच एंड एनरिच योरसेल्फ।